स्वतंत्र प्रभाग समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। विवाहिता का शव मिला बिस्तर पर, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। पति सास मौके से फरार। चौरी थाना क्षेत्र के बेदमनपुरा रोटहा ग्राम सभा में आज करीब 1 बजे विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार को सरफराज मंसूरी की 26 वर्षीय पत्नी इकरामा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के गले में निशान देख मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा मचाया। जानकारी के अनुसार मनापुर निवासी बिस्मिल्ला मंसूरी की पुत्री इकरामा की शादी 2013 के में रोटहा निवासी कमरुद्दीन के पुत्र सरफराज से हुई थी। मृतका के 2 बेटे और 1 बेटी है। गुरुवार को मौत की सूचना पाकर बड़ी संख्या में मायके वाले पहुंच गए। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष रामदरस राम ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच शुरू की जा रही है। आपका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम मनापुर नई बस्ती, ग्राम मनापुर नई बस्ती, पोस्ट बैरी, बड़ा पोस्ट बर्शीपुर, थाना चौरी, जिला भदोही। कितने साल पहले लड़की की शादी हुई थी? मेरा नाम बिस्मिल्ला है और 2013 में शादी हुआ था जी। और उसके बाद शादी के बाद 2 साल करीब बाद में उसका बड़ा वाला बच्चा पैदा हुआ, जिसमें कि वो 5 साल के ऊपर ही हो गया, 6 साल के आसपास का हो गया बड़ा वाला। दूसरा बच्चा उसका जो है 2 साल में हुआ। तीसरी लड़की जो है उन्होंने 3 साल के गैप देके जो हुए, तीसरी लास्ट वाली लड़की। तो इसके पहले कब विदाई आप लोग करा कर भेजे थे यहाँ? अभी तो परसों गई थी, घर से आई परसों जो घर से गई जी। तो क्या आपका आरोप है? अब इसका आदमी जो है घर पर नहीं ले जाता था, बाहर नहीं, अब क्या तनाव था उसका, जैसे लोग फांसी लगाई होती तो जो फांसी लगा के उसको मारा गया है। यानी आपका कहना है मारा गया है? मारा गया है, जो साफ दिख रहा है जो। अच्छा, जब आपने शव को देखा तो वो शव लटका हुआ था या फिर? अभी जो लिटाया गया है, जो लेटी हुई करता जीव को खेलना रहा जो हाँ सऊदियों कमाई के हाल लाल जो रहा जो 2 महीना 1 महीना लॉकडाउन के थ्रू जो वो पैसा जनों को काफी रुपये का खेलना 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 गाड़ी वही जो धीरे गाड़ी बेच दे जो हो लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभाग समाचार को सब्सक्राइब करें।